सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है एयरफोर्स स्पेशल में अगला चीज लेकर आए हैं, जो कि है टॉप 20 एंटोनिम्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एंटोनिम्स पर चर्चा करेंगे और देखेंगे जो महत्वपूर्ण एंटोनिम हैं उन सभी एंटोनिम को देखेंगे और पढ़ेंगे। आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी में से आना है। मैंने कहा था कि जो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप वो चीज़ पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इंग्लिश आपका 100% निकल जाएगा। ये मेरा वादा है दोस्तों। जितनी क्लासेस मैंने आज तक दी हैं, चाहे वो इंग्लिश की दी हो, चाहे वो रीजनिंग की दी हो, चाहे वो कुछ और दी हो जीएस की, वो सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा और इससे बाहर आपको नहीं मिलने वाला है। इंग्लिश का मैंने पूरा कवर करवाया दिया था। इंग्लिश का मैंने जितना वीडियो दिया है उतना आप अगर देख लेते हैं तो कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो एक एक करके उसको पूरा देख लीजिएगा। उसको देखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वर्ड, और देख रहे होंगे दोस्तों पहला वर्ड लिखा हुआ है ट्रिम्फ। जी हाँ दोस्तों, पहला वर्ड है ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब होता है दोस्तों विजय। और वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका हो जाएगा दोस्तों डिफीट। डिफीट का मतलब हो गया हार। ट्रिम्फ का अगर हम और वर्ड देखें दोस्तों तो ट्रिम्फ मतलब विजय होता है। उसी तरह सक्सेस का मतलब विजय होता है दोस्तों। वहीं अगर हम अगले वर्ड की बात करें रैंसिड, रैंसिड का मतलब होता है दोस्तों बासी। और वहीं रैंसिड का एंटोनिम की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो रैंसिड का एंटोनिम हो जाएगा फ्रेश। वहीं अगला वर्ड है देखिए दोस्तों डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है दोस्तों स्वादिष्ट, अर्थात कितना डिलीशियस भोजन ये है, कितना स्वादिष्ट भोजन ये है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अनटेस्टी, बेकार, अनटेस्टी, टेस्ट नहीं है जिसमें, तो यानी कि अनटेस्टी हो गया दोस्तों। वहीं आगे देखें रिवील। रिवील का मतलब होता है दोस्तों अनावरण कर दिया, उजागर करना। कोई भी सीक्रेट है दोस्तों, कोई भी सीक्रेट है और उसको रिवील कर दिया गया, उजागर कर दिया गया दोस्तों, तो रिवील का होता है दोस्तों कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब छुपाए रखना, बचा के रखना, तो रिवील का हो जाएगा दोस्तों कॉन्सील। तो चार वर्ड हमने बताए दोस्तों। पहला बताया ट्रिम्फ, दूसरा बताया रैंसिड, तीसरा बताया डिलीशियस और चौथा बताया रिवील। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें दोस्तों तो आगे देखिएगा, थोड़ा तबीयत में प्रॉब्लम है लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सारे वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए, सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला वर्ड क्या है आपकी स्क्रीन पर, नेक। जी हाँ दोस्तों, नेक। नेक का मतलब होता है दोस्तों बढ़िया, ब्यूटीफुल। और अगर हम इसकी अपोजिट वर्ड की बात करें दोस्तों तो डलनेस। डलनेस का मतलब भद्दा, बेकार। नेक का क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक का हो जाएगा डलनेस। वही दोस्तों एक्सकेवेट। जी हाँ दोस्तों, एक्सकेवेट। एक्सकेवेट मतलब होता है दोस्तों खाली करना या खोदना, दो चीज है देख लीजिएगा। एक्सकेवेट का मतलब खाली करना या फिर खोदना। वही दोस्तों रेज करना। रेज करने का मतलब है दोस्तों बंद करना, पैक करना। तो एक्सकेवेट का मतलब खाली करना और इसका अपोजिट हो जाएगा रेज दोस्तों। वही आगे देखिए हेगामनी। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हेगामनी। हेगामनी का मतलब होता है दोस्तों लीड करना। लीड करने का मतलब देखिए, कहते होंगे दोस्तों कि वो इतने रनों से लीड पर है। लीड का मतलब होता है दोस्तों आगे है। और वही हेगामनी का जो अपोजिट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट। जी हाँ दोस्तों, सबऑर्डिनेट से बना है सबऑर्डिनेशन। जी हाँ दोस्तों, सबऑर्डिनेट से बना है सबऑर्डिनेशन। वही अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो देखिएगा रिप्राइजल। रिप्राइजल का मतलब होता है दोस्तों बदला लेना, फॉरगिवनेस, बदला लेना। रिप्राइजल का मतलब अपोजिट हो जाएगा फॉरगिवनेस का, मतलब छोड़ देना, क्षमा कर देना। एक और होता है दोस्तों एक्जनरेट। जी हाँ दोस्तों, ई एक्स, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा, ई एक्स एक्जनरेट
OnErate। एग्जोनरेट का मतलब होता है दोस्तों दोष मुक्त कर देना। किसी दोषी व्यक्ति को जब माफ कर दिया जाता है, उसकी सजा माफ कर दी जाती है, तो उसे एग्जोनरेट कहते हैं। तो चार वर्ड हमने देखा दोस्तों, पहला देखा नैक, दूसरा देखा एक्सक्वेट, तीसरा देखा हेगा मनी और चौथा देखा दोस्तों रिप्राइजल। आगे देखते हैं दोस्तों अगला वर्ड क्या है, देख रहे हैं दोस्तों परनीशियस। जी हाँ दोस्तों परनीशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। परनीशियस का मतलब होता है दोस्तों घातक, और वही इसका अपोजिट की बात की जाए दोस्तों तो बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब परोपकारी। जी हाँ दोस्तों उदारी, उदारतापूर्ण। तो परनीशियस का मतलब घातक और इसका अपोजिट हो जाएगा बेनिफिशियल। वही अपोलियंस, अपोलियंस का मतलब होता है दोस्तों अमीर, और इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है दोस्तों। तो अपोलियंस का मतलब अमीरी और पॉवर्टी का मतलब गरीबी दोस्तों। वही एफेबल, एफेबल का मतलब होता है मिलनसार, जो बहुत प्रेमी हो दोस्तों। प्रेमी का मतलब कि जिससे आप एक बार मिल लें, एक बार बात कर लें तो आप उसके प्रेमी हो जाते हैं, आप उसके फैन हो जाते हैं दोस्तों। तो वही है दोस्तों मिलनसार। और इसका अपोजिट की अगर बात की जाए तो हॉटी, हॉटी का मतलब होता है दोस्तों घमंडी, अर्थात एक व्यक्ति जो बहुत घमंडी हो उसे कहते हैं हॉटी। जी हाँ दोस्तों आगे देखते हैं कोहरेंट। कोहरेंट का मतलब होता है दोस्तों सुसंगत। सुसंगत का मतलब एक ही जैसे दोस्तों, जैसे एक ही जैसे का मतलब अगर आप कुछ रखे दोस्तों उसी में कोई ऐसी चीज मिला दे कि आप पता ना कर पाए कि कौन सी चीज अलग है, तो वही है सुसंगत दोस्तों। और कोहरेंट का हो जाएगा डाइवर्जेंट, अलग अलग। डाइवर्जेंट का मतलब अलग अलग। वही आगे देखे दोस्तों, आगे है दोस्तों बॉयस्ट्रस। जी हाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बॉयस्ट्रस, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा जितना वर्ड मैं नहीं ले रहा हूं, अगर आप इसको पढ़ लेंगे दोस्तों तो कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। और पुरानी क्लासेस जो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इंग्लिश में अगर बेस्ट करना है दोस्तों, इंग्लिश में अगर बेस्ट करना है तो आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, अगर इससे अच्छा कोई बता दे दोस्तों तो मैं गारंटी करता हूं मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। द स्पीड स्टडी बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आपकी सफलता के आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। तो याद रखिएगा द स्पीड से जुड़िए, द स्पीड स्टडी आपके भविष्य की हमेशा परोपकारिता पर डिपेंड है। आपके भविष्य को लेकर के द स्पीड स्टडी हमेशा चिंतित रहता है कि आपको क्या दिया जाए दोस्तों। तो बॉयस्ट्रस का मतलब उद्वी, और इसका हो जाएगा दोस्तों काम। काम मतलब शांत। क्लैमर देखिए दोस्तों, क्लैमर, क्लैमर का मतलब होता है जो कोलाहल, चिल्लाहट, तो उसका भी होगा दोस्तों काम। काम मतलब शांत होता है दोस्तों। वही एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है दोस्तों मुक्त करना, छोड़ देना, फ्री कर देना। तो वही इसका एंटोनिम की अगर बात की जाए दोस्तों तो होल्ड कर देना, किसी को पकड़ के रखना। वही आखिरी वर्ड देखिए दोस्तों तो बीस्ट। जी हाँ दोस्तों बेस्ट का मतलब होता है हिंसक, कोई व्यक्ति जो हिंसा करता हो उसे बेस्ट कहते हैं। और वहीं इसके अपोजिट वर्ड की बात करें दोस्तों तो एंगल, एंगल का मतलब होता है दोस्तों फरिश्ता, तो हिंसक का हो जाएगा क्या फरिश्ता। तो ये था आज का वर्ड दोस्तों। वहीं एक बार आपको सूचना दे दूं दोस्तों कि जो हमारी नई बैच आ रही है, आपका नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद की जो बैच है दोस्तों ये आपका 10 नवंबर, अर्थात दोस्तों आपका एग्जाम, आपका एग्जाम 9 तारीख तक है और 10 तारीख को दोस्तों, 10 तारीख को आपके लिए एक नई बैच लॉन्च हो रही है जो कि फॉर्म दिसंबर से भरा जाएगा दोस्तों। तो दिसंबर की जो वैकेंसी आएगी उसका एग्जाम जो होगा दोस्तों वही मार्च अप्रैल में होगा, तो मार्च में उसका एग्जाम होगा दोस्तों। तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अभी तक नहीं लगे हैं दोस्तों तो आज से लग जाइए। आप अपनी इंटर की तैयारी मजबूत करिए, दिसंबर में इंटर की क्लास भी चलेगी तो आप इंटर भी चलिए, इंटर तो फ्री चल पढ़ाई जाएगी। आप इसको अगर ये बैच अगर आप खरीद लेते हैं दोस्तों तो इसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी, अर्थात जो भी आपको वैकेंसी मिलेगी दिसंबर में मिलेगी या जनवरी में मिलेगी वो आप, या रैली भर्ती मिलेगी, तो उसके लिए आप बेस्ट कर लेंगे दोस्तों। इससे अच्छा ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, इससे अच्छा ऑप्शन आपको कभी नहीं मिलेगा और ये मौका भी नहीं मिलेगा दोस्तों। मात्र 199 रुपए में है, बताइए 200 रुपए भी नहीं है दोस्तों। इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे,
इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी और 40 प्लस लेक्चर मिलेगा दोस्तों, और मैराथन क्लास मिलेगी। साथ ही दोस्तों, साथ ही अगर आप ये बैच परचेज किए हैं तो आपको जब रागा के क्वेश्चन, अर्थात जब आपकी रागा की बैच आएगी, तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ये बैच परचेज करते हैं तो। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो उड़ेगा इंडिया, क्योंकि हम लोग एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं दोस्तों, और हम लोगों को हवाई जहाज उड़ाना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, सफलता आपके कदम चुमेगी। मंजिल ने हौसलों से कहा, कि इतनी तेरी औकात नहीं, कि तू मुझे पाले। तो हौसलों ने मंजिल से कहा, चल झूठी, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको सफलता लेनी है दोस्तों तो ये बैच जरूर परचेज कीजिएगा। 1 नवंबर से इसका रजिस्ट्रेशन होगा, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है दोस्तों, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपको बैच की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए द स्पीड स्टडी के साथ, और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।